आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए BA LLB 10वें सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2024, जिसका एग्जाम जुलाई 2024 में हुआ था, आज का जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर एजुकेशन सेकंड। अगर आपको कंप्यूटर एजुकेशन सेकंड या किसी अन्य सब्जेक्ट के नोट्स या क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। एग्जाम में आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है और पेपर 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और 5 प्रश्न करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होता है। आपको वीडियो देखते समय यह देखना है कि आपका सब्जेक्ट है कि नहीं। आपको अपने मन में यह ख्याल नहीं लाना है कि यह पेपर किस यूनिवर्सिटी का है। पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, जो प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं एग्जामिनर उन्हीं प्रश्नों को ही एग्जाम में रिपीट करता है, इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर चले जाना है, वहाँ पर 4 साल पुराने प्रत्येक सेमेस्टर के आपको पेपर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार की कानूनी सुरक्षा का वर्णन करें, जिसमें मानकीकरण और गोपनीयता की चिंताओं पर विशेष जोर दिया गया हो। दूसरा, कागज आधारित समाज में डिजिटल हस्ताक्षर की भूमिका और कंप्यूटर आधारित दस्तावेज की प्रामाणिकता में इसके महत्व को व्याख्या करें। तीसरा, डिजिटल हस्ताक्षर प्राधिकरण से संबंधित कानूनी ढांचे, डोमेन नाम विवाद और संबंधित विवाद समाधान नीतियों का वर्णन करें। चौथा, कंप्यूटर अपराध को वर्गीकृत करें और साइबर सुरक्षा पर कंप्यूटर वायरस की विशेषताओं और प्रभाव का वर्णन करें। पांचवा, साइबर लॉन्ड्रिंग, साइबर आतंकवाद और साइबर युद्ध की प्रक्रिया की व्याख्या करें और डिजिटल साक्ष्य को संरक्षित रखने के महत्व को समझाइए। इसके बाद छठवां, देश विशिष्ट साइबर कानूनों की आवश्यकता और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और हस्ताक्षर के प्रावधानों सहित भारतीय IT अधिनियम 2000 की विशेषताओं पर चर्चा करें। सातवां, साइबर अपराध से निपटने में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की भूमिका और साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यों और सीमाओं का वर्णन करें। इसके बाद आठवां, वर्तमान साइबर सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता और कंप्यूटर सुरक्षा उल्लंघनों से सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का मूल्यांकन करें। नौवां, इंटरनेट अपराधों के तरीकों का विश्लेषण करें और इन अपराधों की रोकथाम और जांच में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। दसवां, और इस पेपर का आखिरी प्रश्न, डिजिटल हस्ताक्षर निर्माण और सत्यापन की
मूल अवधारणाओं पर चर्चा करें जिसमें एक विश्वसनीय मध्यस्थ की भूमिका शामिल हो। इस प्रकार BA LLB दसवें सेमेस्टर में यह 10 प्रश्न पूछे गए थे। आने वाले समय में आपका पेपर होगा कंप्यूटर एजुकेशन सेकंड का, इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या फिर नोट्स चाहिए तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप लोगों को अपना नंबर दे देंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।